जैसे आप अनाउंसमेंट करेंगे ना कि हाँ फर्स्ट स्लॉट वाले का हो गया, अब सेकंड स्लॉट वाले आइए, ऐसे कोई प्रक्रिया मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, जिसके कारण बार बार जाके हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बार बार जाके वहाँ पता करना पड़ेगा। मेरा तो थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन भी नहीं मिला है, तो हम इस आशा के साथ काउंसलिंग में आए हैं कि शायद सरकार महिलाओं को अपना जिला दे। धीमा गति से चल रहा है, अभी फर्स्ट स्लॉट का अभी काम पूरा नहीं हो पाया है, हमारा तो तीसरा है, दूसरा ये मेरे मित्र के हैं जो अभी काउंटर से लौटा दिया गया, कभी पहला ही चल रहा है, इसलिए दूसरा में अभी काम ही नहीं है। शिक्षा विभाग इतना दिग्भ्रमित है कि शिक्षक तो खुद ही दिग्भ्रमित करके शिक्षक लोग रख दिए हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, आप को केवल तंग करना मकसद है सरकार का, ठीक है। अब पटना जिला बहुत बड़ा जिला है, अब उसमें हम लोग कहाँ चले जाएँगे, तो स्वैच्छिक स्थानांतरण सरकार यदि दे देती तो बहुत अच्छा। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक बनने वाले जो शिक्षक थे, सक्षमता परीक्षा पास कर सके शिक्षक जो है, वो अब काउंसलिंग कराने हैं। बिहार में 1,87,000 के करीब जो शिक्षक थे, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं और कुछ शिक्षिका है जो काउंसलिंग कराने पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम माधुरी ज्योति है। कहाँ से आई है मैम? मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। कैसा चल रहा है काउंसलिंग की प्रक्रिया? सर काउंसलिंग लेट चल रही है, लेट चल रही है। हाँ, जिसके कारण कि अभी हम लोग को अभी हमारा टाइम था, अभी हमारा स्लॉट और टाइम सेकंड स्लॉट था 10:30 बजे से, लेकिन काउंटर पर से हमें लौटा दिया गया। क्यों लौटाया गया? बोला गया कि अभी फर्स्ट वाले का ही नहीं हुआ है, तो अभी आप लोग बैठिए, जब इन लोग का हो जाएगा तब आप लोग आइएगा। अच्छा, उसमें भी कन्फ्यूज़न ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट वाले को गया, वहाँ तो भीड़ है, वहाँ तो सारे स्लॉट वाले लोग लाइन से लगे हुए हैं, कोई अनाउंसमेंट की प्रक्रिया तो है नहीं। जैसे आप अनाउंसमेंट करेंगे ना कि हाँ फर्स्ट स्लॉट वाले का हो गया, अब सेकंड स्लॉट वाले आइए, ऐसे कोई प्रक्रिया मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, जिसके कारण बार बार जाने हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बार बार जाके वहाँ पता करना पड़ेगा कि भाई हुआ कि नहीं हुआ। लंबे समय से शिक्षकों का इंतजार था राजकर्मी का दर्जा के लिए, आज एक दिन परेशानी हो रही है, क्या इसके बाद कैसे देख रहे हैं, अब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, संतुष्ट है शिक्षक। देखिए सर, एग्ज़ाम जब दिया था हम लोगों ने, तो ये तो निश्चित था कि एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग तो होनी ही है। काउंसलिंग के लिए भी हम लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, 2-3 महीने हम लोगों को काउंसलिंग के लिए पहले तो इंतज़ार करना पड़ा, तो ये तो प्रक्रिया स्वतः होनी थी, जिसके लिए हम लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़ा। अब आगे है मेन मुद्दा, पारदर्शिता की जो बात करती है सरकार या आप लोग करते हैं, क्या पारदर्शिता है? 2-3 महीने समय लगा लेकिन पारदर्शिता है। सर मेन मुद्दा पोस्टिंग का है, पोस्टिंग का है, ठीक है। काउंसलिंग तो एक प्रक्रिया थी जिसको आज नकल होना ही था, यहाँ सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी जो है वो पोस्टिंग में है। क्या लग रहा है? अब पोस्टिंग में क्या होता है यह देखना है हम लोगों को, क्योंकि पहले बोला गया कि सक्षमता 2 वाले का साथ में एग्जाम होगा और उन लोगों के साथ में पोस्टिंग होगी, अभी फिर डेट इतना नज़दीक में निकाल दिया गया है सक्षमता 2 का, तो अभी हमारा पोस्टिंग का तो कुछ डेट आया नहीं है, स्कूल च्वाइस का या क्या डेट मिला, कहीं ये दोनों डेट मर्ज ना हो जाए, या फिर अभी सरकार का ऐसा भी कहना है कि बीपीएससी वाले जो भी आए हैं, जिनको अभी साल भर या 6 महीना भी नहीं हुआ है, तो अब सरकार का कहना है कि सबके साथ में होगी पोस्टिंग, तो फिर यहाँ पे सर वरीयता का लाभ हमें कैसे मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, वरीयता को लेकर आज भी शिक्षक असंतुष्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जो हमारा जो सीट है वो तो सीमित है, सीट जो खाली है वो सीमित है, अगर एक बार में सारे लोगों की सर पोस्टिंग कराती हैं सरकार, अगर एक बार में सारे लोगों को पोस्टिंग में मौका दे देती है, तो फिर वो जो च्वाइस वाली बात होती है वो तो घट जाएगी ना, तो हमने जो 10-15 साल संघर्ष किया वो कहाँ गया, और आज जो 6 महीना हुआ है उनको भी सरकार साथ में ला रही है, तो फिर जो 6 महीना अभी ज्वाइन किए वो और हम जो 15 वो सब एक साथ हो गए, च्वाइस का ऑप्शन भी घट गया हमारा, तो इसके लिए होना तो ये चाहिए ना कि पहले जो सक्षमता 1 में जो पास हुए हैं हम लोग, पहले उन लोगों को पोस्टिंग कर देनी चाहिए, उसके बाद बाकी लोगों को ऑप्शन देना चाहिए। मेरा तो थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन भी नहीं मिला है, तो हम इस आशा के साथ काउंसलिंग में आए हैं कि शायद सरकार महिलाओं को अपना जिला दे दे। कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं, और मेरा मात्र 2 मार्क्स के लिए मुझे थर्ड ऑप्शन मिला है पटना, लेकिन सरकार जो विधानसभा में डिस्कशन हुआ है कि महिलाओं को अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, इस आशा के साथ हम यहाँ काउंसलिंग के लिए आए हैं, अगर मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो मैं आगे ज्वाइन करूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट सक्षमता भरूँगी, क्योंकि ये सरकार जो 3 डिस्ट्रिक्ट दे दिया है वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, बाहर रहते हैं, और फिर मैं पूरी फैमिली को लेकर पटना में कैसे शिफ्ट होंगी, तो महिलाओं को दिक्कत है। हाँ, और सरकार अगर महिलाओं को अपना डिस्ट्रिक्ट दे दे और च्वाइस दे दे, अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट च्वाइस कम से कम देना चाहिए, तो इसी आशा के साथ हम थर्ड ऑप्शन में भी यहाँ काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं। मैं मुजफ्फरपुर से आ रही हूँ और मुझे बहुत परेशानी हुई है आने में। काउंसलिंग बहुत परेशानी हुई?
हाँ परेशानी हुई कि मैं सोचने में रह गई कि मैं क्या करूँ ना। परेशानी हुई लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट अभी भी है। मुस्कुराहट इसलिए है कि राजकर्मी कहीं मिल जाए, अगर मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तो राजकर्मी मिलेगा। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं आई हुई हूँ, हो सकता है मेरे लिए निगेटिव भी हो। अगर सरकार महिलाओं के लिए कुछ करेगी कि अपना डिस्ट्रिक्ट दे दे तो खुशी रहेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट चॉइस। अगले बार विधानसभा चुनाव है अगले साल, शिक्षक लोग कैसे देखते हैं? देखिए शिक्षक को इन्होंने इतना घुमाया है कि शिक्षक एकदम परेशान हो गए हैं। अच्छा कौन घुमा रहा है? सरकार तो खुद घूम रही है ना, कभी महागठबंधन कभी एनडीए। हाँ, इसीलिए वो खुद घूम रही है, साथ में हम लोग को भी घुमा रही है। और हम लोग जो काम करने वाले हैं वही परेशान हो रहे हैं जनरली। तो सरकार भी घूम रही है और शिक्षक भी घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में शिक्षकों को लेकर जो क्रेडिट वार हुआ, कैसे देखते हैं आप? देखिए हम लोग को नीतीश जी बहुत प्रोग्रेस मतलब हम लोग दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए हैं, लेकिन इस समय जो परेशान किए हैं ना वो थोड़ा सा है। अभी अगर हम लोग के लिए अच्छा कर दे तो शायद पॉजिटिव हो जाए। हाँ बस यही हम कहना चाहेंगे। अच्छा जो सरकार कभी इधर कभी उधर जो घूमते हैं, कैसे तो क्या लगता है ऐसे होना चाहिए या नहीं? इस चीज़ से तो हम लोग को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट में मतलब अदर स्टेट में भी रह के मैं आई हूँ। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, वहाँ से मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, और वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं दिल्ली में पढ़ाती थी। हाँ। इंस्टीट्यूट में मैं कंप्यूटर टीचर हूँ। उस दिल्ली रही है, बिहार अब आई है। हाँ। क्या डिफरेंस क्या लग रहा है, क्या बदलाव? जैसे अभी जो फैसिलिटी हुआ है, जो कहा जाए कि के पाठक बहुत कुछ तंग किया ये किया, लेकिन वो स्कूल को बहुत कुछ दिया है। जैसे कंप्यूटर हमारे स्कूल में दिया गया, स्मार्ट टीवी को मतलब स्मार्ट रूम परफेक्ट बनाया, कुछ काम तो उन्होंने अच्छा शिक्षक को स्मार्ट किया गया के पाठक के द्वारा। स्मार्ट पहले से थे, जो कि हम लोग जो अभी आप ऑनलाइन एग्जाम या ऑनलाइन आपका सब कुछ केवल बीपीएससी से नहीं था, पहले से आपको इनाम पहले ही मिल चुका था। हम लोग के नियोजित का मेहनत ही अभी ये लाया है, जो हम लोग बेस तैयार किया है। और तो लगा सदन में के पाठक पे कि जो बैग को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, अलग उस पे भी मैं बोलना नहीं चाहूंगी कि मैं वो सब नहीं जानती। मैं एजुकेशन अपने बदलाव हुआ है। हाँ, बदलाव हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। हाँ, थोड़ा सा बेहतर हुआ है और लोगों को काम करना सिखाए ये चीज में। और क्या बेहतर करने की जरूरत है जो आप सरकार को बता सकती है? फैसिलिटी स्कूल में थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग को बेस नहीं है, जिसके कारण हम लोग मतलब चाह के भी नहीं दे पाते हैं सरकार को या बच्चों को। क्या नाम है? दिलीप कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं सर? ऐसे देखिए हमारा तो मैंने घर हुआ बक्सर जिला, लेकिन अभी भोजपुर जिला में मैं पोस्टेड हूँ, और पटना जिला अलॉट हो गया है सक्षमता परीक्षा में। कैसे चले काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है? धीमा गति से चल रहा है, अभी फर्स्ट स्लॉट का अभी काम पूरा नहीं हो पाया है। कौन सा स्लॉट आपके है? हमारा तो तीसरा है। दूसरा ये मेरे मित्र के हैं जो हाँ। अभी काउंटर स्लॉट आ दिया गया, कभी पहला ही चल रहा है, इसलिए दूसरा में अभी काम भी नहीं लगा है। जो दूसरा स्लॉट था परेशानी हो रही है, लेकिन राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, अब डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए राजकर्मी का दर्जा ठीक है मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक तरह से विभाग हम लोग को तंग कर रहा है। अभी देखिए हम अपने घर से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टेड थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और पटना जिला में कहाँ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर ये तो परेशानी है ना। लेकिन लंबे समय से जो मांग था पोस्टिंग का, ट्रांसफर का, राजकर्मी का दर्जा का, सब कुछ ठीक था। देखिए सरकार जो कर रही ठीक कर रही है, लेकिन एक ये जो ऐच्छिक ट्रांसफर ना दे करके हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हम लोग को तंग किया जा रहा है। ठीक है, अभी भी संतुष्ट नहीं है शिक्षक? बिल्कुल, कैसे संतुष्ट होंगे हम लोग बताइए, पटना जिला इतना छोटा जिला तो है नहीं, बक्सर जिला मेरा घर हुआ, पटना जिला में कहाँ कैसे कौन सा स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा, सर्वाइव करने में तो दिक्कत तो होगा ना, बाल बच्चे वाले हैं हम लोग। सर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, पढ़ना चाहिए बिल्कुल। अच्छा क्रेडिट वार को क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव में? शिक्षकों को लेकर जो नियुक्ति हुई उसको लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, क्रेडिट वार हुआ, कैसे देखते हैं शिक्षक? शिक्षक राजनीति के शिकार हो चुके हैं बिहार में। किसका शिकार हो चुके हैं? राजनीति के शिकार हो चुके हैं बिल्कुल। शिक्षा विभाग इतना दिग्भ्रमित है कि शिक्षक तो खुद ही दिग्भ्रमित करके शिक्षक लोग रख दिए हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, आप को केवल तंग करना मकसद है सरकार का। ठीक है, शिक्षकों को सरकार का तंग करने का बिल्कुल लास्ट ऑप्शन मैंने सरकार के यदि देखा जाए तो केवल शिक्षक को तंग करना व्यूज है, और कुछ हमें तो नहीं लगता है, अपने हिसाब से अपना ओपिनियन है मेरा। अच्छा शिक्षा विभाग में सरकार काम कर रही है, जो लगातार कह रही है कि शिक्षा विभाग को लगातार सुदृढ़ करने के लिए सरकार काम कर रही है।
सरकार तो कह रही है सरकार के सत्ता पक्ष के ही, अभी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, नवल किशोर यादव जी का बयान सुने होंगे, संजीव सिंह का बयान सुने होंगे, 100 रुपये का बैग 1200 रुपये में, 2000 का बेंच 5000 में के पाठक के रीजन में सप्लाई हुआ। ये तो उन्हीं के सत्ता पक्ष के ही विधान परिषद विधान परिषद में आरोप लगा रहे थे। तंग करने के अलावा कुछ भी नहीं रहा। आपका अप्रैल से सेशन चालू होता है, अप्रैल में गर्मी की छुट्टी बच्चों को दे दी गई, शिक्षक आएंगे 2 घंटा के लिए, पढ़ाई लिखाई बाधित कैसे हो ये सरकार काम कर रही है, पढ़ाई लिखाई कैसे हो इस पर काम नहीं हो रहा। क्या नाम है? अनिल कुमार दुबे, भोजपुर से आए हैं। कैसे चल रही है काउंसलिंग की प्रक्रिया? काउंसलिंग की प्रक्रिया थोड़ा सा वहाँ काउंटर पर जाने पर बताए लोग कि बीच में थोड़ा सा लिंक डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसलिए चलिए ये तो टेक्निकल इशू है। हाँ, टेक्निकल इशू है। अब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? राजकर्मी के दर्जा से खुश हैं, लेकिन हम लोग की यही मांग है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण सरकार हम लोग को दे। हाँ, स्वैच्छिक स्थानांतरण दे देते ही तो अच्छा रहता हम लोग के। अब पटना जिला बहुत बड़ा जिला है, अब उसमें हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तो स्वैच्छिक स्थानांतरण सरकार यदि दे देती तो बहुत अच्छा रहा। तो आपने सुना जो शिक्षक काउंसलिंग करा रहे हैं उनका कहना है कि टेक्निकल इश्यू कुछ आ रहा है लेकिन उसे ठीक किया जा रहा है। हालांकि कुछ शिक्षकों का कहना था कि शिक्षक जो है बिहार के राजनीति के शिकार हो रहे हैं। हालांकि कुछ शिक्षक ने यह भी कहा कि के पाठक के द्वारा शिक्षकों को परेशान किया गया, लेकिन वही कुछ शिक्षिका ने कहा कि के पाठक जब से आए थे तब से शिक्षा विभाग को दुरुस्त किया गया और शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने में के पाठक का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज काउंसलिंग का दूसरा दिन है और बिहार के 1,87,818 जो नियोजित शिक्षक थे, जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके थे, उन्हें अब बिहार की स्कूलों में विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा, उसके लिए आज काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। न्यूज फाउंडेशन के लिए अभिजीत, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।